एक बार एक महान दार्शनिक बुद्ध के पास आए। उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे। वह बुद्ध के पास आया और उनसे प्रश्न पूछने लगा। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या तुम सचमुच उत्तर चाहते हो? यदि तुम सचमुच उत्तर चाहते हो तो क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? दार्शनिक ने उत्तर दिया, मैं अपने पूरे जीवन में उत्तर खोजता रहा हूँ। मुझे कई उत्तर मिले लेकिन हर उत्तर से नए प्रश्न खड़े हुए। आप क्या कीमत पूछते हैं? मैं पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं बस इन सवालों के जवाब चाहता हूँ और इन सवालों के जवाब के साथ इस धरती से जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अधिकांश लोग उत्तर चाहते हैं लेकिन कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था, 2 साल तक चुप रहो, ये है कीमत। 2 साल तक मेरे पास चुपचाप बैठो और जब 2 साल बीत जाएंगे तो मैं खुद तुमसे कहूंगा कि सवाल पूछो। उस समय आप जो भी उत्तर चाहते हैं वह पूछ सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं हर बात का जवाब दूंगा, मैं सभी संदेह दूर कर दूंगा। लेकिन 2 साल तक तुम्हें पूरी तरह शांत और मौन बैठना होगा। इसे 2 साल तक सामने मत लाओ। दार्शनिक सोच रहा था कि हाँ कहूँ या न कहूँ। उसने मन ही मन सोचा, 2 साल तो बहुत लंबा समय है, क्या तब वह मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा? उन्होंने बुद्ध से पूछा, क्या आप पूरा आश्वासन देते हैं कि आप 2 वर्ष बाद मेरे हर प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं पूर्ण आश्वासन देता हूँ। यदि तुम पूछोगे तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा, परंतु यदि तुम नहीं पूछोगे तो मैं किसे उत्तर दूंगा? उसी समय एक शिष्य जो पास के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था हंसने लगा। दार्शनिक ने बुद्ध से पूछा, वह क्यों हंस रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, उससे पूछो। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लें। मुझे भी इसी तरह धोखा दिया गया था, उसने मुझे भी मूर्ख बनाया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह सच कह रहा है। 2 साल बाद पूछोगे तो जवाब जरूर देगा, लेकिन 2 साल बाद पूछता कौन है? मैं यहाँ 2 साल से चुपचाप बैठा हूँ और वह मुझे उकसाते रहते हैं कि पूछो भाई से। 2 साल तक चुप रहने के बाद पूछने को कुछ नहीं बचता, हर जवाब मिल जाता है। अगर तुम्हें पूछना है तो अभी पूछ लो, नहीं तो 2 साल बाद पूछने को कुछ नहीं बचेगा। दार्शनिक उत्तर जानना चाहता था, इसलिए वह बुद्ध के साथ वहीं रुक गया। वह रोज चुपचाप बैठा रहता। वह समय का पता भूल गया था, क्योंकि जिनके विचार धीमे हो जाते हैं उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन बुद्ध को ठीक समय याद था। जब 2 साल पूरे हो गए, बुद्ध दार्शनिक के पास गए और कहा, अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अपने वादे के अनुसार हर बात का उत्तर दूंगा। क्या आपके पास पूछने के लिए कुछ है? दार्शनिक हंसने लगे और बोले, वह शिष्य सही कह रहा था। अब जब मैं 2 साल से यहाँ बैठा हूँ, अब मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपकी कृपा से सारा उत्तर आ गया है।